थाने के रबोड़ी इलाके के 76 वर्षीय काशीनाथ पाटिल ने अपनी ही बहू की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि इस मामले के आरोपी काशीनाथ पाटिल फरार है। यह हत्या समय पर नाश्ता न मिलने की वजह से हुई। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। थाने के रबोड़ी इलाके में एक ससुर ने अपने ही बहू को गोली मारकर उसकी हत्या करने की घटना सामने आई है। आरोपी काशीनाथ एक रेती व्यवसायी है। सीमा पाटिल को उसके ससुर ने समय पर नाश्ता न मिलने की वजह से गुस्से में गोली मार दी थी, जबकि सीमा पाटिल का 2 दिनों से इलाज चला, लेकिन 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। इस मामले की शिकायत रबोड़ी थाने में दर्ज कर ली गई है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ये रबोड़ी पुलिस स्टेशन के हद में विहंग सोसाइटी है, ऋतु पार्क के एरिया में, तो वहाँ उसके ससरे का और उसकी बहू का दोनों में आपसी नाश्ता न देने के कारण से विवाद था। तो उसकी बहू हमेशा उसको नाश्ता वगैरह देती थी, लेकिन जो ससुर था उसने लोगों में जाके बोला कि मेरे कुछ देखभाल घर वाले करते नहीं, नाश्ता वगैरह देते नहीं, तो उस वजह से और उनके बहू को मालूम हो गया, तो उन्होंने उस कारण से उसको सब देके भी हम वो ऐसा ऐसा ही करते, तो एक दिन उन्होंने नाश्ता ही नहीं दिया उसको, और उस कारण से उनमें थोड़ा वाद विवाद हुआ, और उन्होंने नाश्ता न देने के कारण से वो जो काशीनाथ पाटिल है उन्होंने उनके पास से जो लाइसेंस रिवॉल्वर था उससे वो अपनी बड़ी बहू के ऊपर फायर किया। उसमें एक गोली फायर करने से वो इंजर्ड हो गई थी। उसको पहले परम हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, उसके बाद उसको जुपिटर हॉस्पिटल में रेफर किया गया। कल रात उपचार के दरमियान उसकी रात में मौत हो गई है, और जो गुनाह में जो हथियार यूज़ किया गया था वो भी हमने सीज कर लिया है, और लेकिन अभी आरोपी की तलाश जारी है। 2 टीम तपास पथक की उसके पीछे भेजी गई है। पुलिस स्टेशन में इस संबंध में 68/2022 भांधवी कलम 307 के तहत FIR दर्ज है। आरोपी का सर बैकग्राउंड क्या है? आरोपी उम्रदार है, 74 ईयर्स उसकी उम्र है, और वो कंस्ट्रक्शन लाइंस में पहले काम करता था, और उसके पास वो लाइसेंस वाला वेपन है। हाँ, अभी उसके पीछे तपास टीम भेजी गई है, 2 टीम, जल्द उसके अभी फिलहाल तो तलाश शुरू है।